हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। अरे इसमें हंसने का क्या बात हुआ है अब? देसी चाइनीज प्रेजेंट्स। आपको मैंने पहले भी कहा था, जोक सुना करे, पढ़ पढ़ के खुद हंसते रहते, हमें पता नहीं चलता। हा, हा, हा। चलिए कल का बचा हुआ खेला शुरू करते हैं। खेला शुरू करने से पहले हम स्वागत करना चाहेंगे अपने मेहमानों का, जोरदार तालियां। थैंक यू। तो खेला चालू करते हैं। खेला शुरू करते हैं। ये रहा आपका और ये रहा मेरा। रुके, धतूरा खा के आए हैं का? ये क्या कर रहे हैं आप यहाँ? दिवाली का टाइम है, ताश तो बनती है। क्योंकि तीसरे बादशाह हम है। दैट वॉज अनदर बैड जोक। तो खेला शुरू करते हैं। कारो, खेला शुरू कब से? खेला शुरू लगा रखा है। देर क्रिकेट की बॉल। सबसे पहला सवाल आपके सामने आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, 200 करोड़ रुपया के। दो सौ करोड़ आपका अब्बा हुजूर भी कभी देखा है जिंदगी में? तेरी लिट्टी का चोखा। दिवाली का टाइम इसलिए फ्लो में ज्यादा बोल गए। तो सवाल ये रहा, आपकी फिल्म सिंघम रिटर्न में सिंघम रिटर्न क्यों होता है? ऑप्शन ए कि सिंघम की गन देव ले गया था, या ऑप्शन बी आगे यूटर्न का बोर्ड लगा हुआ था, ऑप्शन सी गर्मी बहुत थी, या ऑप्शन डी सिंघम चार्जर घर पे भूल गया था। भाई मुझे भूलने से एक शेर याद आया है। वाह, इनका भूलने से याद है, हमें याद आने से भूल जाता है। ओके, पढ़ा है शेर, मैं खड़का देता हूँ अपनी किताब पिद्दू की रोमानी शायरी से। भाई पहले किताब दिखाइए, कौन सी है ये? पिद्दू की रोमानी शायरी है भाई जी। भाई चैन चुराया मेरा। मेरे ख्याल से उनको बदबू आ रही है, क्या प्याज खा गया है? चैन चुराया मेरा, नींद मेरी लुट्टी। चैन चुराया मेरा, नींद मेरी लुट्टी, बीट पे बूटी, बीट पे बूटी, बीट पे बूटी। चैन चुराया मेरा, नींद मेरी लुट्टी, बीट पे बूटी, बीट पे बूटी। इधर ही हमारी कुर्सी बैठी, उधर हमारी कुर्सी टूटी। इसी बात पर हम भी एक शेर मारना चाहेंगे। अरे तू तो किसी को भी मार सकती, तू तो इंजन मार दे। देख लीजिए हमारी तरफ से हम एक शेर मार रहे हैं। मारो भी मारो। इतना प्यारा शेर को मार दे, चट शेर को बच्चे। कौन कहता है शत्रु शेर से डरता है? ये देखो क्या, हम भी शेर मार सकते हैं। भाई क्या शेर मारा है भाई? वाह 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 वाह, बहुत अच्छा शेर मारा है। कजोल जी मैं कहता हूँ भाई, इसको आप कैच कीजिए। आहा भाई वाह, आप इनको दीजिए। वेरी नाइस वेरी नाइस, आप इनको दीजिए, पास कीजिए पास कीजिए। ये हो कर रहा है, आप मेरे को दीजिए। आहा, लो पकड़ भाई। भाई मैं ये शेर बड़ा अच्छा है तो मैं इसको फॉरवर्ड कर रहा था। इसे 10 लोगों को खबर कीजिए, शाम तक अच्छी खबर मिलेगी। ठोको जी। अजय देवगन जी, सवाल का जवाब दीजिए, सिंघम रिटर्न क्यों हुआ था? मेरे हिसाब से सारे चारों के चार सही थे। बिल्कुल सही जवाब। आप जीत चुके हैं और आपको मिलता है ये चेक।
ये लीजिए चेक, इसको बड़े कॉलर में बनवाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत शुक्रिया काजल, आपका मिलता है दिवाली पे ये पटाखा। फुलझड़ी हम आपको देंगे, शायद अभी हमारे बजट में नहीं है, ये इको फ्रेंडली पटाखा जो अंदर से खाली है, इसीलिए तो पोल्यूशन फ्री है। पॉल्यूशन फ्री होगा ही, जल चुका है, कैसे जलेगा ही, नहीं तो पॉल्यूशन फ्री होगा। तेरे कान का मैल। अरे कहाँ है। अगला सवाल पूरे 2 करोड़ रुपए के लिए, ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, फूल और कांटे में पत्तियां क्यों नहीं थी? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए पत्ती बकरी खा गई। अरे आप फंस गए हैं, घूम लीजिए थोड़ा, घूम लीजिए। ऑप्शन बी आदर्श, शाबाश। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पत्ती बकरी खा गई, ऑप्शन बी माली छुट्टी पर था, ऑप्शन सी पत्ती किसी ने चाय में डाल दी थी, या ऑप्शन डी पत्तियां थी मगर उनका क्रेडिट नहीं मिला। हेलो, ठोको भाई ठोको ठोको। हाँ क्रैक क्रैक क्रैक, हाँ एक मिनट, आंधियों से लड़ेगा, चोलों पे चलेगा, तूफानों से भिड़ेगा, डार्लिंग ट्रैफिक बहुत है, मैं कल आऊं तो चलेगा? मेरी वाइफ का फोन था। देखिए अजय जी, काजोल जी, आप एक काम कीजिए, आप ऑडियंस का ऑनियन ले लीजिए। तेरे राणा का डग्गू भाती, ऑडियंस का ओपिनियन होता है, ऑनियन नहीं। अरे ओपिनियन तो हर जगह फ्री में मिल जाता है, ऑनियन आजकल बहुत ही महंगा मिलता है, वो ले लीजिए बेहतर रहेगा। अरे देखिए बहुत ही काम का चीज भी है, इसको ऐसा बगल में डाल लीजिए, लू नहीं लगता। और मुंह में डाल लो तो कोई पास नहीं लगता। फालतू बकवास कर रही है। सवाल था कि फूल काटने में पत्तियां क्यों नहीं है, जवाब दीजिए अजय जी। फोन फ्रेंड किया हमने, फोन उठा, एक सेकंड में अपने दोस्त को फोन लगाता हूँ। शेनू, हाँ हिम्मत है तो फोन उठा। नहीं उठा रहा, जब चटनी के, चलो बताइए फूल और कांटे में पत्तियां क्यों नहीं थी? अभी ये तो आपको ही जवाब देना पड़ेगा, चलो। मुझे लगता है कि इसका जवाब मुझे नहीं आता तो टाइटल चेंज कर देते हैं, फूल कांटे और पत्तियां। बिल्कुल सही जवाब। आपको मिलता है ये इनाम, ये बोतल मैंने रात ही को खाली की थी, आप इसमें रॉकेट चला के हिश हिश एंजॉय करते आते हुए ले जाइए। आप यहाँ पर इनाम में सबको बोतल दे रहा है, पटाखा दे रहा है, पैसा तो देते नहीं, और खेल का नाम है के भैल करोड़पति। तेरे पटाखे की दिवाली चुप। के भैल करोड़पति मतलब ये भैल करोड़पति। हमारे शो में सिर्फ करोड़पति लोग खेलने आते हैं। अजय जी और काजल जी, ये रहा आपका अगला सवाल पर 3 करोड़ रुपए के लिए। रख तेरे बाप का कीबोर्ड, रख, पहले सवाल पूछने दे। तो ये रहा 3 करोड़ रुपए के लिए अगला सवाल। काला खट्टा कितना खट्टा होता है? आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए इतना, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। हमारा तो एक ये सुन के हमारे मुंह में पानी सा आ गया। तेरे नील के नितिनगन मुकेश, सवाल था कि काला खट्टा कितना खट्टा आता है, आपके ऑप्शन ए बी सी डी दोनों। मैं बताती हूँ जी, जी काला खट्टा। बिल्कुल सही जवाब। आप जीत जाती हैं 150 किलो का नेकलेस, औरत, ये रही नेकलेस औरत, ले जाइए। हाँ लड़कियां कितनी खुश हो रही हैं इस बात में। आपके शत्रु का घन, क्या तरीका हुआ बात करने का, ऐसा बेइज्जती करते हैं।
गला भर गया। झूठ बोल रही, गला कहाँ कहाँ से भर गया? बोले मेरा थैला भर गया। ओ भाई, इस बात पे तू उदास हो गई है ना तू, मैं अपनी किताब पिद्दू की उदास शायरी से एक शेर सुनाता हूँ। उदास शायरी। लो भाई, चांद सिफारिश जो करता हमारी देता वो तुमको बता। चांद सिफारिश करता जो हमारी देता जो तुमको बता। आगे आगे। चांद ने सिफारिश करी नहीं ना, फिर आगे क्या बताऊं मैं? सिफारिश करी नहीं। अव्वल दर्जे का बकवास शेर था ये। ठोको फिर ठोको। चलिए आपका सवाल है 5 करोड़ के लिए कि सर 1990 में एक मिनट मेरी बात सुनिए। आप पहले सवाल सुनिए, सवाल सुनिए। एक तो हमारा ये तंग करी जा रहा है। देखिए 1990 में अजय देवगन की कौन सी फिल्म आई थी? ठीक है। फूल और कांटे कब आई थी? 91 में। ओ, एक साल पहले आई थी। एक साल बाद आई थी। तब क्या हो रहा था 1990 में? क्या हुआ था भाई? शूटिंग चल कुछ नहीं हुआ था। नहीं, पिक्चर की शूटिंग चल रही थी। मैं एक बात समझता हूँ, देखो भाई, इस बात पे तुम बार बार छेड़ते टीचरबाजी करते रहो, तो उसी बात में मैं कहना चाहूंगा, आताबाजी सटली, आताबाजी सटली भाई। हमेश, ये इनका डायलॉग है। अच्छा, ये इनका है तो ला भी ठोको। ये उनका डायलॉग है। अच्छा भाई, खामोश, तुम ऐसे नहीं हटोगे। लोगों का डायलॉग बोलते जा रहे, बोलते जा रहे। बोल, पहले मेहमानों को भेज दूं, फिर तुमसे बात करता हूं मैं। बात सुन, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। एक चुप हंस गए। खेलू आया था मैं। हाथ छोड़, ये अकेले हाथ से हो नहीं रहा। मेरे से भी नहीं हो रहा। छोड़, शेर लाए हैं शेर। सच ए रिलैक्सिंग नाइट। ओ हो, लेडीज के सामने लड़ना अच्छी बात नहीं। उनको विदाई करके तुम्हारी लेडीज की बात नहीं कर रहा। तो एक बार काजल जी के लिए जोरदार तालियां। तो मैं काजल जी को छोड़ के आता, जोरदार तालियां। एक मिनट, मैं भी छोड़ के आता। कमाल है, आपका हम पे भरोसा नहीं? नहीं। मेरे चलो। मेरे सौ गए, तेरे कितने? 10 चक्कर और जॉगिंग। 10 चक्कर? मैं थक गई हूँ जॉगिंग कर करके, मैं सोने जा रही हूँ। वो तो आप पत्ते खेल खेल के थक गई। पत्ता खेलना मुझे आता ही कहाँ है, मैं तो सिर्फ पत्ते बांटने जाती हूँ। और नानी, जितनी तुम्हारी उम्र है, तुम मंदिर में प्रसाद बांटो। पत्ते बांट रही थी, शर्म नहीं आती तुम्हें? और सर, आप मेरी परेड क्यों करवा रहे हैं? मैंने तो आपको सुबह सुबह चाय भी पिलाई थी। चाय और गर्म पानी में फर्क होता है चंदू। हैं? सर, आपको गर्म पानी मिला? फिर बोलो। ये फिर नानी की करामात है, ये तो चाय में से भी दूध चुरा लेती है। और ये तो टूथपेस्ट में से घी निकाल लेता है। और टूथपेस्ट में नमक होता है। उनके होता है जो बाजार से भरा हुआ खरीदते। सिद्धू साहब, ये तो सड़क पे खाली पड़ा हुआ ट्यूब होता है ना, वो उठा लेता है, बाद में उसमें घी भरता है, साल भर इस्तेमाल करता है। पुचुक 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 कंजूस करता। मैं तो चलो भाई टूथपेस्ट से घी निकालता हूँ ना, ये तो लोगों की किडनियों में से पथरियां निकाल निकाल कर घर का बाथरूम पक्का करवा रही है। और ये मेरे मोतियाबिंद में से मोती चुरा रहा था। मेरी आंख जाते जाते बच गई अच्छू। चलो शुक्र करो कुछ बचा सही, ये तो कुछ भी नहीं छोड़ती। पाजी, गन्ने के रस की मशीन होती है ना, उसमें जो नींबू निकलता है ना, उसमें भी हवा भरकर बेच देती है। और ये गुलाब जामुन में से गुलाब चुरा लेता है, बोलो। और ये बर्फी में से बर्फ चुरा लेती है ये। बंद करो बकवास, वरना मैं गन निकाल लूं। सर, आप माफी दे देंगे? मुझे भी। चलो सूर्य नमस्कार लगाओ। सूर्य सूर्य तो निकला नहीं, नमस्कार किसको करें? लेट के सूर्य नमस्कार लगा। इस उम्र में लेट के नमस्कार करवाएगा, कहीं मेरे नाम के आगे लेट लग गया तो। फिर बकवास बंद करो, मुड़ो और जाओ।
पाजी के लिए जोरदार तालियां। पाजी आइए, आज खुल के बातें करते हैं। पहले कौन सा बंदों के बातें कर रहे थे? पहले नहीं, पहले मैम भी थी, आपसे काफी बातें थोड़ी सी पेंडिंग रह गई थी। मेरे कुर्ते के लिए जोरदार तालियां। और आज लाल नहीं है। हाँ जी पाजी, उसने बड़ा हालत खराब कर दी थी मेरी, पिछली बार ट्रेन रुक गई थी। पाजी आज क्या खा के आए? आज आज वन लाइनर पे वन लाइनर आ रहे। अजय पाजी का ये कहना है कि फिल्म में कास्टिंग के ऊपर इतना खर्चा नहीं आया जितना प्रोडक्शन के ऊपर आया। तो पाजी आपकी होम प्रोडक्शन है, काजल मैम भी को प्रोड्यूसर है, तो मतलब आपको होम प्रोडक्शन के पैसे नहीं मिलते? बिल्कुल, इस फिल्म में नहीं लिए। इस फिल्म में आपने पैसे नहीं लिए? एक्टर के लिए भी नहीं लिए और डायरेक्टर के भी नहीं लिए। अच्छा, तो लेने किससे थे? हाँ, लेने किससे? अपने आप से। अच्छा एक्चुअली पाजी मैं कुछ चीजें एक बड़े भाई होने के नाते जानना चाहता हूँ। मेरे को भी सर प्रोड्यूसर बनना है आगे चल के। इनफैक्ट बहुत जल्दी आपको मेरे बड़े भाई हैं। ऐसे ही एज ए प्रोड्यूसर कुछ चीजें जानना चाहता था। पाजी कभी ऐसा हुआ कि पैसे बचाने के लिए हर प्रोड्यूसर को बजट कंट्रोल करना पड़ता है? जैसे विलन का काम भी 6-7 दिन का बाकी है, आपने 5-6 दिन पहले गोली मार दी हो कि चलो बाकी दिन का खर्चा बचेगा। ये तो मैं कर देता लेकिन पर्डे पे नहीं था, मतलब उसने पूरे लेने जितने लेने हैं। भाजी कभी ऐसा भी हुआ है एज ए प्रोड्यूसर, थोड़े से ऐसे एक दो क्वेश्चन हैं, कि खुद की गलती हो, बाप आप एक्टर भी हैं फिल्म में, खुद ही की गलती हो लेकिन आपको लग रहा है शिफ्ट बढ़ रही है तो ओके कर दो, मतलब थोड़ी ऐसी चलता है? ना, ये नहीं होता। बस ये होना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अच्छी बात है, ये चीज़ अच्छी है। काम के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। बिल्कुल। भाजी आपके पास 300 से ज़्यादा जोड़ियाँ हैं जूतों की? लेना देना क्या है? पैसे 2-4 जोड़ियां दे दो, मैं रिपीट पढ़ करता हूं सर। अब मैं भी बहुत रिपीट करता हूं। नहीं वो रिपीट पर 300 जोड़ियां ना बाजी, कब किसी की बारी आती होगी? रोज भी एक पहनो तो एक साल तो निकल गया। आपका वो हाल है जो पहले राजा महाराजों की कितनी सारी बीवियां होती थी ना, 365 बीवियां, मतलब ऐसा होता ना बाजी। तो कम से कम बीवियों और जूतों में बहुत फर्क है। नहीं नहीं, फर्क की बात नहीं कर रहा मैं, क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ। नहीं, अगर चॉइस की बात है तो फिर 300 बीवियां बेटर है ना। आदमी 300 जूते क्यों रखेगा? हाँ बाजी। ऐसे बाजी किसी ने आपकी टीम में से बताया था, आप कोई कहता कि आप पहले जूते पहनते हैं और उसके बाद से पैंट पहनते हैं, मतलब आपको जूतों से बड़ा लगाव है, सही बात है बाजी? ये हो ही नहीं सकता, पता नहीं ऐसे खबरें सुनी, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ, कंफर्म कर लें कि अफवाहें तो नहीं है कहीं। एक काम करें, दोनों ट्राई करें जूते पहन के पैंट पहनने। मैंने आज ना थोड़ा टाइट वाला पहना है बाजी। मैंने भी आज थोड़ा टाइट, मेरा चोंच में अड़ जाएगा। पाजी फिल्म शिवाय में अजय पाजी के शिवाय और भी लोग हैं, वर्ड प्ले के लिए आप सबकी दाद चाहूंगा। मैंने थोड़ा सा किया कि इनके सिवाय और लोग भी, किसी ने नोटिस नहीं किया उसके लिए भी शुक्रिया। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच पहले उन्हें बुलाऊंगा जिनको हमने बाहर से इंपोर्ट किया है। एरिका विद उनका सरनेम है, वो खुद ही बताएंगी। और एब्गिल, हाउ आर यू लिटिल गर्ल? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड बेबी, यू आर लुकिंग सो प्रीटी, हाउ आर यू एरिका? सब ठीक है, शुक्रिया। जिनको हिंदी नहीं आनी चाहिए उनको हिंदी आती है, जिनको इंग्लिश नहीं आनी चाहिए उनको इंग्लिश आती है। अभी तो मेरे से नाम नहीं लिया गया रीका का, अभी तो बातें शुरू होंगी। प्लीज हैव सीट, प्लीज हैव सीट। एरिका यू आर वेरी ब्यूटीफुल एंड दिस लिटिल गर्ल इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। फर्स्ट ऑफ ऑल एरिका, आई वॉन्ट टू नो योर फुल नेम विद योर सर नेम। एक्चुअली आई वॉज अनेबल टू प्रोनाउंस द होल It's so but may I know what's the full name actually? Are you going to repeat? Yes, he should repeat. Exactly. I will try my best. Erika Marta Karkuszewska. No. Not with home address. Just name. Erika. मार खा के निकल जा। अच्छा अभी मैंने पीछे भी पूछा था इससे, इसने थोड़ा छोटा बताया था। When I asked you backstage, you told some little line. I added my middle name to make it a little bit more fun. But do you want me to die? Then please, can you please once? Okay. There is a very very strong reason behind me making it shorter for you with Erika Carr, but if you want the full, Erika Karkuszewska.
You want half a full? Let's change the topic. That's half. That's half of what you could get. Erica. Karku. It's a very good muscle exercise. Erica, अगर ऑडियंस में से कोई भी बताए मैं उसको फोन दूंगा आज मैं सीरियसली यार कितना असम है अच्छा और ओनली इन वन गो रिपीट शी विल से इट वंस ठीक है एंड यू ऑल विल हैव टू रिपीट इट यस ओके फाइन सो पहले हाथ खड़े कर दीजिए एक बार भर्ती शुरू हो गई उसके बाद कैंडिडेट अलाउड नहीं होगा एरिका कैन यू प्लीज रिपीट योर नेम फॉर हिम बिकॉज सिर्फ एक बार सिर्फ एक बार यू हैव टू से ओनली वंस देन ही विल रिपीट वो हिंदी में बोल रही तू इंग्लिश में बोल रहा है हां अच्छा हां हां लो जी आज पता चलेगा अभी इंडिया में कितनी साक्षरता है ओके आप ऐसे क्यों हो रहे हैं स्पेलिंग तो उतने साफ दिखेंगे आप यस ब्रदर व्हाट्स योर नेम सात एक बार बोलेंगे एरिका यस एरिका ओके एरिका कारपुशेव्स्का एरिका कारपुशेव्स्का एरिका कार एंड पुशअप्स तुमने बीच वाला खा लिया नो 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 इनको दूसरा हाँ जी एरिका कार कुछ शेप्स का ब्रावो एक सेकंड देखो वंस मोर फॉर मी एरिका कार कुछ शेप्स का अच्छा अभी नहीं कहता अभी नहीं You know, the first one was fluke. Yes. I know my country people. cancel. हाँ जी. अच्छा वो. ये जो कान आगे करके सुन रहे थे. वो. आपने सबसे ज़्यादा बार सुना. Yes. Technicolor. एरिका कारकुशेव्स्का. Bravo. Lava. दोबारा अभी चौथा नंबर कपिल का अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ चेकोस्लोवाकिया देखा आपने कजाकिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान से पीछे जब जाओ अब बोलो एरिका कारकुशेव्स्का सर दूसरी बार हर बंदा ये पहली बार इन्होंने दिमाग में रखा हुआ कारकुशेव्स्का कुछ नहीं उनको आगे दीजिए मैं नहीं मानता जब तक मेरे को समझ में नहीं आएगा मैंने नहीं देना मोबाइल सर आपको कभी समझ में आएगा तो कोई बात नहीं कभी नहीं मिलेगा मोबाइल चलिए यस एरिका कारकुशेव्स्का बाउंस सॉरी मैं बोलता हूँ रॉन्ग मैं बोलूं दोबारा बोल मेरे भाई को दूसरा मौका देना पाजी मैं बोलूं पाजी आपके फोन की कमी हाँ पहले तो यहाँ से हाथ उठाओ स्पेलिंग यहाँ से नहीं निकलने वाले आप हाँ मुंह से बात करें हम आपसे मुंह से बात कर रहे हैं यस कपूर चलिए जी एरिका कार कुर्सफिश का पता ये नाम उनकी कंट्री में जाके लोग ना वो फिश सूप लेके आ जाएंगे सामने अजय देवगन जी खड़े हैं बैठे हुए हैं थोड़ा नर्वस सी हो रही है अच्छा नर्वस है तो बैठिए तो खड़े होते तो नर्वस नहीं होते आप मुझसे नर्वस हो रहे आप देख जो है ना शरीर मेरा कांपने लगता है ऐसा ठीक है काम कर अभी बोल नो सर नहीं सर ऐसा नहीं सर मैं He's saying sir, he's. I know. You understand? Sir, आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर. बहुत शुक्रिया. इसलिए मैं मुड़ गया ना. अभी आप बोलो नाम. Okay, Erika Karkuszewska. हाँ चलो. Erika Karkuszewska. Oh, bravo. Very good. Thank you. मैंने सुना ही नहीं. बोल दिया मैं. बार-बार मत बोला फिर गलती कर लूँगा मैं. एक बार और लेना पड़ेगा नहीं 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 पाजी मेरा ध्यान नहीं 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 बोला चलो एक एरिका मैम से पूछ लीजिए ना तेरा लेफ्ट साइड वाला बंद है नहीं नहीं बोला नहीं नहीं ए पाजी चलिए मैं मानता हूँ कि बोला है लेकिन एक बार तो वो भी सही बोल गया था एक बार वो अपने जिनकी हलवाई की दुकान वो भी बोल गए थे आपका एक बार वाला मैंने नहीं सुना हाँ एक बार और प्लीज एरिका कार कुशफिश्का सॉरी एरिका कारों का फेस्टिवल कुछ नहीं नहीं कोई नहीं नहीं मैं देने वाला मोबाइल नहीं नहीं सही है तू करेक्ट है थैंक यू सर लव यू सर थैंक यू
Erika, actually, where are you from, basically? Let me speak. क्या? हाँ, last तूने बोला था. क्या, Erika? Erika, I have only Karku chefs का. And you know, when we started this topic, na, from that time he's rehearsing inside. आपकी आवाज बाजी इतनी बुलंद है ना माइक में मेरे को सुन रहा था अंदर अंदर बोल रहे थे आप शेफ्स का यू प्रैक्टिस टू मच आई सॉ यू डू प्रैक्टिस इज हिज हैबिट बिकॉज ही इज वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर्स वी हैव हैड यू नो हिज वॉइस इज सो पावरफुल व्हेन ही इज स्पीकिंग इन हिज माइंड ओनली देन ऑल्सो वोकल्स कम्स आउट I heard he was saying what? Kosir kiska? Acha, ab tu oh new instrument. Ek minute, tu ab patli gali se mat nikal. Ji, tu bol ke dikha. Dekho, kehte hai ki satya ke marg pe chalo. Main guilty hu, mere se nahi bola gaya. Main maafi chahta hu. Nahi to behas badhane ka koi fayda nahi hai. Isme koi maza nahi hai. Dekho bhai. अच्छा ट्राई प्रोनाउंसिएशन हाँ एरिका क्लाशनकोफ एरिका जा होल व्हीट पास्ता पीछे पीछे सारे बोलते हैं एरिका इसका ओके लेट्स चेंज द टॉपिक ए नया इंस्ट्रूमेंट बजा रहा दोबारा मजा आया सुन के वेरी नाइस निकल गया पतली गली से बेसिकली वेयर आर यू फ्रॉम एक्चुअली ओरिजिनली अच्छा जब आदमी को सेंटेंस नहीं मतलब हाथ ज्यादा चलते हैं आई मीन वेयर आर यू फ्रॉम आई एम फ्रॉम पोलैंड आई वाज बोर्न इन वेस्टर्न बर्लिन ओह मतलब सो मच इंग्लिश बट यू कुड हैव गो इजीली टू हॉलीवुड आल्सो आई मीन हैव यू कॉट द रॉन्ग फ्लाइट और व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली आई मीन हाउ यू गेट सिलेक्टेड इन बॉलीवुड I really like Indian Thank food, you. So it was between burgers and butter chicken, so I chose butter chicken. Do you love butter chicken? More than burgers. More than burgers. More than burgers. Right choice. And you know, we are Punjabis. Nobody is better than us in chicken. I know. We are childhood enemies. Chicken and Punjabis are childhood enemies. Because we eat chicken. Yeah, I mean, we get it. Whatever, जो भी हुआ मुर्गा तो मरा ही. That was the point. पाजी, look at her. She is such a sweet, pretty Very little cute. Doll. Very okay, cute. How you pronounce your name? Apps. Apps, which I don't have. But I do, I think. Yes. So how old you are, Apps? I'm 13. 13. And was it true? Because Ajay sir was saying, when he started the movie, you were like here. Till we finished the movie. And luckily... They finished the movie. And then you came back for dubbing. And now you are here. It means movie lambi ho jati thodi si delay. Toh ye toh hirin ban ke aati puri. Aur bahut cute hai. Paji itni choti si hai. Toh iska dhyan rakhne ke liye Kajol ma'am help karti hai aapki. ये बच्चे संभाल संभाल के आपका एक्सपीरियंस हो गया ये बहुत ही प्यारी बच्ची है और बहुत ही सीधी बच्ची है और बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव बच्ची है मुझे अभी भी याद है आई थिंक जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसका परफॉर्मेंस देख के कि कितनी सेंसिटिव है जब ये पहली बार यहाँ आई थी मुझे याद है कि मुझे बताया गया था उस दिन इसने खाना नहीं खाया बिकॉज ये जब गाड़ी में आ रही थी जी तो कुछ बच्चे भीख मांग रहे थे तो उनको देख के ये रो पड़ी और इसने रात को उस रात को खाना नहीं खाया सो स्वीट That is so cute. Actually, foreign में आपको अगर जाओ आप तो भिखारी आपको देखने को मिलते नहीं है मतलब जो कोई भीख भी मांग रहा था ना वो भी आर्टिस्ट टाइप होता है या तो गाने गा रहा होगा या गिटार बजा रहा होगा तुझे नहीं बोला दिनेश मैं वैसे ही पर ये देख के एक्चुअली ये हंसी मजाक में हम लोग टाल देते हैं लेकिन है तो ये हमारा दुर्भाग्य ही कि हमारे भारत में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास अच्छा फ्यूचर नहीं है बेचारे सिग्नल्स पे आपको खड़े मिलते हैं सो उम्मीद है कि जिस तरीके से हमारा भारत ऑब्वियसली बहुत आगे बढ़ भी रहा है और उम्मीद करते हैं कि ये जो दुर्भाग्य है उन बच्चों का वो जल्दी ही सौभाग्य में बदले ऐसे हम ईश्वर से दुआ करते हैं
So, was he nice with you on shoot? Yeah, he was lovely. He gave you some chocolates? Yes, a lot. And teddies as well. Teddies as well. So, he never shouts at you? No. But you know, in India, his image is like a lion. A lion? He slapped and 12 guys died. But I'm telling you, he's a very angry young man. In movies. Otherwise, he's very nice. Yeah. He's lovable. Yeah. You also. You're so cute. Oh, thanks. Now my English is expired. अच्छा पाजी अच्छा वो छोटी बच्ची उसको तो समझ नहीं आ रहा तो एरिका को हिंदी समझ आती है थोड़ी थोड़ी पर सच्ची सच्ची बताना एक्चुअली आपस की बात है हम चलाएंगे नहीं मतलब अभी तो काजल मैम भी नहीं चली गई फिल्म में वो जो स्टंट वाला सीन था आपका जो हीरोइन के साथ वो स्टोरी की डिमांड थी कि ऐसे खूबसूरत देख के ऐसे दिल में मैं ऐसे ही मेरी जगह अगर आप होते जी तो आप स्टोरी की डिमांड की वजह से करते अब आप सामने बैठे यहाँ बता नहीं फिर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता जैसे आपने किया आपके तो एक ही थी आपको ज्यादा चाहिए ओके जोक्स अपार्ट बट या शी इज वेरी ब्यूटीफुल एरिका आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट यू नो इन यस्टरडेज एपिसोड मिसिस देवगन वॉज हेयर एंड वी वर स्पीकिंग अबाउट दैट सीन इन ए मूवी देर इज ए किसिंग सीन या एंड यू नो ही इज द ओनली गाय हीज वॉज फर्स्ट इंजॉय सीन आई मीन I've done it on screen for the first time in my life. That's what he's trying to say. You didn't tell me before the shoot. Now I know. You never told me that. Yeah, but this is the first time I've done it and on screen. So that's what he's asking you. So I'm just asking that a shot was perfect or was not perfect. Who decided that? Because he was the director. So he... Answer him. So he said that it's a perfect shot. You can tell him how I cut the shot. Yeah, you can tell him that. Yes, every I can. Shot, yeah? You can. So, okay. It was like going. Cut. And then again. Go. Cut. But it was more like flowing. So he said cut like this. No. He would pull away. Okay. Cut. Then he's an honest man. अगर होते ना इमरान हाशमी तो वो मुंह से तो कहते नहीं वो कहते या तो कट कहते नहीं कहते वंस मोर ओके चलिए ये हमारे मेहमान हैं विदेश से आए हैं और इनका सेंस ऑफ ह्यूमर जो होता है बेसिकली मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है ये छोटी छोटी बातों को लेकर ट्रोल नहीं करते लोगों को कि आपने ऐसा बोल दिया ये बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और इन्जॉय करते हैं लाइफ को और ह्यूमर को ह्यूमर की तरह से ही लिया जाए अब बारी है शिवाय की एक और खूबसूरत एक्ट्रेस को यहां बुलाने की तो आपकी जोरदार तालियों के बीच मैं बुलाना चाहूंगा साइशा को देखो आसमान से उधर के एक परी आ गई इन निगाहों के सामने ये हसीन खड़ी आ गई आगे देख दिए तो पहले ही जल रहे थे महफिल में यारो अब दिलों में आग लगाने सुंदर फुलझड़ी आ गई God bless. Yes, welcome. फुलझड़ी आ गई है हाँ आपको नहीं पता आप जैसे ही फ्लाइट लैंड करेंगे अमृतसर में आपके लिए भी मुश्किल घड़ी आ गई है अभी आज ना शेर शायरी ज्यादा बड़ा बॉम्ब वेट कर रहा होगा साशा कभी अपने आपको ऐसे आईने में देख के कभी आप ऐसे डायलॉग बोलती हैं कि रिश्ते में तो हम दिलीप कुमार और सायरा जी के रिश्तेदार लगते हैं नाम है साइशा ऐसा बोलती कभी आप नहीं बोला ऐसे तो नहीं बोला ऐसे नहीं बोला वैसे आप सायरा जी की फैमिली ये बोला कि बस कपिल के शो में आना है थैंक यू सो मच फॉर कमिंग पर मैंने सुना है कि आप सायरा जी की फैमिली की तरफ से जी अच्छा वो मेरी मम्मी की बुआ है अच्छा शी इज माय ग्रैंड आंट खूबसूरती तो पाजी सालों से चलती आ रही ना घर पे सायरा जी वी लव यू दिलीप साहब वी लव यू साइशा आपने किससे एक्टिंग की ट्रेनिंग ली है
एक्टिंग की स्कूल में मैं नहीं गई, मैं तो इनफैक्ट सीधा बोर्ड एग्जाम से शिवाय के सेट पर आ गई थी। अच्छा। बट डांस की मैंने ज्यादा ट्रेनिंग ली है। 9 साल की उम्र से मैं नाच रही हूँ। अच्छा, 14 साल की उम्र से? 9 साल की उम्र से। तो मतलब आपको 20 साल हो गए नाचते नाचते। मैं सिर्फ 19 की हूँ। वो एज ही पता करनी थी, 19 की। तो एक्चुअली बातें बातें काफी देर से हम कर रहे हैं। इतना खूबसूरत साइशा डांस करती हैं, इन्होंने सामने से बताया, तो कुछ आई मीन आप समझ ही गई होंगी, कुछ ऐसे हम कोई डांस देख सकते हैं? आपको करना पड़ेगा फिर। मुझे या तो अजय सर को करना पड़ेगा। आप ही इज गोइंग टू बीट मी नाउ। अच्छा आप कर। शो का नाम क्या है? द कपिल शर्मा शो। डांस नाचेगा कौन? या डांस। डांस करना कमाल है। पंजाब में क्या हाल है बाजी आजकल इलेक्शन इसका जोर चल रहा है। की भी कमाल है। देखिए आप ट्रेन डांसर हैं, मैं आगे भी एक फिल्म करने वाला हूँ, ऐसे करियर पे फर्क पड़ता है। अगर आपके साथ नाचूंगा चार लोग जो सोच रहे होंगे मुझे डांस करवाने की, वो फिर मेरे पास आएंगे नहीं। सो देर इज ए इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, करियर वाइज प्रॉब्लम। एरिका, बट लैंग्वेज यू स्पीक इन पोलैंड? पोलिश। पोलिश तो आपकी होगी लैंग्वेज, बट अच्छा वैसे सो व्हाट डू यू से आई लव यू इन पोलिश? ओह कोखमचे। सेम टू यू। साइशा एरिका एब्स, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। वी हैड अ ग्रेट टाइम विद यू गाइस। और आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, शिवाय के लिए ऑल द बेस्ट, और आपके फ्यूचर में जो भी आप करने वाली हैं उसके लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। I'll see you tomorrow, baby. Thank you. Thank you. Good night. I'm really excited. Thank you, Erika. Lovely meeting you. Thank you. Same here. बेटी अब वक्त है आपको उस फनकार से मिलाने का जिन्होंने फिल्म शिवाय का म्यूजिक दिया है। पाजी ये बंदा छाया हुआ है इंडस्ट्री में। अच्छा, एक के बाद एक सुपरहिट गाना, मतलब खराब गाना लेते ही नहीं मार्केट में, ये मना कर देते हैं। तो सारे के सारे गाने सुपरहिट, इनके जोरदार तालियां इनके लिए। आइए मिथुन, आपका शो में बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं जिनको यहाँ पर बुलाना चाहूँगा, बड़े ही सुरीले गायक हैं, बड़ा ही मज़ा आता है उनकी आवाज़ को सुन के। फिल्म शिवाय में भी उन्होंने अपनी आवाज़ दी है। आपकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर कैलाश खेर। आइए जी, प्लीज सर विराजमान हो जाइए यहाँ। अच्छा भाई, जब मिथुन नए नए इंडस्ट्री में आए थे ना, जब नए नए गाने हिट होने शुरू हुए, तब मुझे पता चला कि मिथुन नाम से एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं जो आए हैं और बड़ा ही अच्छा काम कर रहे हैं। पर आज भी जब कभी आपका कोई नाम ले, बताए ना कि म्यूजिक डायरेक्टर आ रहे हैं या कौन से वाले मिथुन, तो कभी लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होती कि मिथुन दा आने वाले हैं? कभी आप किसी फंक्शन में बैठे हो और लोग मिथुन चक्रवर्ती साहब को ढूंढ रहे हो, ऐसा हुआ नहीं आपके साथ? ये तकलीफ मुझे स्कूल में हुआ करती थी। अच्छा, अब इतनी नहीं होती। तो मतलब अब काम सॉर्टेड है सारा। तो स्कूल में क्या तकलीफ होती थी? मतलब तो लोग चिढ़ाते थे मुझे। चिढ़ाते थे क्यों? मिथुन दा तो इतने अच्छे एक्टर, चिढ़ाते क्यों थे? तो मुझे कहते थे कि वो स्टेप करके दिखाओ। जैसे मुझे लोग बोलते थे कपिल तो बॉलिंग करके बताओ, मैं कहा नहीं आती मेरे को। अच्छा ये, हाँ एक्चुअली ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं छोटी छोटी। माहौल इतना अच्छा बना ना पाजी, फिर दिल करता है सुनते जाएं। बिल्कुल। और वैसे भी मिथुन यहाँ पे हैं तो इनका इतना सुपर डुपर हिट सॉन्ग, आपने मेरे बहुत गाने गाए शो पे, मैं देखता हूँ टीवी पर। यार मेरे से भी पेमेंट ना मांग लेना उसकी। सुनाइए ना कपिल, आप मुझे सुनाइए। मिथुन आप यहाँ पे, आपके सामने नहीं गाता, यहाँ पे पकड़ा जाऊंगा मैं। नहीं नहीं, मैं सुनाता हूँ, जब कोई सुरीला आदमी नहीं होता फिर मैं राजा होता हूँ। मिथुन मैंने सुना आपने कोई मलेशियन फिल्म का भी म्यूजिक दिया है। जी। तो आपको मलेशियन लैंग्वेज आती है क्या? खाली करेंसी समझ में आ गई थी आपको, 5 का 100? करेंसी भी समझ में नहीं आई थी, करेंसी भी समझ में नहीं आई, नुकसान करके आ गया मैं वहां। एक सबसे बड़ी तकलीफ वहां पर थी कि मलेशियन भाषा में जी लव को, लव का जो वर्ड है उसका नाम है चिंता। ओ तो वो लोग सच बोल रहे हैं। भाषा के ऊपर मैं भी एक बात बताता हूँ, दिल्ली के हैं हम, जब बॉम्बे आए तो बहुत सारे नए नए वर्ड सीखने को मिले। झाड़, वृक्ष को झाड़ कहते हैं। हाँ। ठीक है, और उसमें भी बताने का तरीका भी फिर ऐसा होता है, इनका भाई साहब ये गोल्डन बीच सोसाइटी जानी है जुहू में, तो ये किस तरफ है, उधर से एक झाड़ गिरेगा।
भाई मैं क्यों जाऊंगा उधर? अगर वहां तुझे पता है कि झाड़ गिरेगा तो मैं तो कभी ना जाऊं उधर से। जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, कोई खड़ा होके आपको लपड़िया देगा अभी। और वैसा भी हमारे भैया को कोई चोरी नहीं किया है, हमारा भैया का किडनैपिंग हुआ है। किडनैपिंग? हाँ हाँ जानते हैं, इसीलिए तो इंस्पेक्टर के पास आए हैं हम। इंस्पेक्टर नहीं होता है, इंस्पेक्टर होता है। तो इंस्पेक्टर के पास आए हैं तो इंस्पेक्टर होगा, उन इंस्पेक्टर के पास जाएंगे तो उन इंस्पेक्टर होगा। क्या बात कर रहे हैं सिंघम जी? नमस्ते। नमस्ते। हमारे जो हस्बैंड है ना, बिल्कुल हाफ हाफ सिंघम है आपकी तरह, वो भी ऐसा ऐसा करते हैं पता है ऐसा। अरे वो कहा है, हमारे भैया का ऑपरेशन हुआ था, डॉक्टर ने कहा था कि हाथ में गेंद दिया है और बोले गेंद को ऐसा ऐसा दबाते रहिए। अभी ससुरा गेंद पता नहीं कहाँ खो गया है, बिना गेंद के ऐसा ऐसा करते रहते। इधर देख मिथुन जी बैठा है। हाँ हम देखे हैं। आप तो जवान होता जा रहा है दिन ब दिन, अब करके बताइए ना। या, या, क्या बात? अब करके बताइए। मैंने कहा था आपसे कपिल शुरुआत में यही प्रॉब्लम थी। वो वाला मिथुन नहीं है, ये मिथुन शर्मा है, ये गाने बनाते हैं। जैसे हमारे पास कपिल शर्मा है जो बातें बनाते हैं। जैसा अच्छा गाना बनाते हैं उससे ही जो हमारा हस्बैंड को भी बहुत शौक है गाना का। अच्छा। बहुत गाना हमको शादी से पहले गजल गजल कहते थे। तुम्हें गजल कैसे कहते थे? हमारे भैया इनके लिए कोई गाना नहीं बनाया है, हमारे भैया इनको खाली बेवकूफ बनाए हैं बस। खैर कैसे हैं? किसको पूछ रही है? खैर बता तो किसको पूछ रही है? तो खैर जी से पूछ रहे हैं, बैठे हैं हमारी आंखों के सामने। आप घबराइए मत, हम आपके लिए ना गोंद लेकर आए हैं ना। आपका परिंदा टूट गया ना, टूटा टूटा एक परिंदा कैसे, हम उसके लिए गोंद लेकर आए हैं। आप बड़े आराम से उसको जोड़ लीजिए, फिर आप दूसरा गाना भी बदल के गा सकते हैं। जोड़ा जोड़ा एक परिंदा ऐसे जोड़ा के टूट ना पाया। कैलाश जी ये एक्चुअली मैं आपको बताया नहीं, ये जो इस तरफ वाली है संतोष है। अच्छा सर। और इधर वाली जो है ये पेरेंट्स का दोष ही है। अरे मेरे घर लोगों के घर में दिवाली में लक्ष्मी आती, मेरे साड़ी पहन के उल्लू आ गए। क्यों आ गए तुम लोग? अरे उल्लू से याद आया, हमारा देवर किडनैप हो गया। अरे बड़ी बड़ी मुबारक हो आपको तो। अरे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, किडनैप नहीं हुए, वो स्वच्छ भारत अभियान चल रहा ना। हाँ। इसने कूड़ा समझ के डस्टबिन में डाल दिया होगा। कैसे बात कर रहे हैं, हमारे भैया कोई कूड़ा नहीं है जो डस्टबिन में डाल देंगे। बहुत ही खूबसूरत आदमी है वो, ए देखिए फूल सा चेहरा है उनका, देखिए फूल सा चेहरा नहीं, मुंह पे फूलों का सहरा पहना हुआ है। पागल मान रहे तुम लोग, कैसे किडनैप हुआ था इसका? क्या हुआ कि हम घर पे बैठे थे, घंटी बजा टिंग टिंग, दरवाजा खोला तो सामने का आदमी ने चिट्ठी दिया, चिट्ठी पढ़ा लिखा, आदरणीय भौजी जी इज्जत दिया, हम आपका देवर को किडनैप कर रहा है, 2000 रुपया दो लेके जाओ, ऐसा किया। तो जाके छुड़ा लो। पागल है क्या, 2000 रुपया दे के उसको छुड़ाएंगे? 2000 रुपये में नया कूलर लेंगे, ठंडी हवा देगा, और किडनैप होने का भी खतरा नहीं है। अच्छा जी अब सब आपके ऊपर है, या तो आप हमारे भैया को वापस ले आइए या फिर 2000 रुपया दे दीजिए, बाकी हम देख लेंगे। 2000 रुपये का कूलर मैं नहीं ले लूं। उन्होंने भारी आवाज में बोल दिया। इतनी क्रिएटिविटी के साथ भीख मांगते हुए मैंने पहली बार देखे। लेकिन ये दिया लेके भीख क्यों मांग रहे? पता नहीं, दिवाली का दिन है। मतलब दिया तो दिया, नहीं दिया नहीं दिया। आ,
जा भाई, रुक जा रुक जा, ये क्या है? अरे कोई भूत भैया, क्या हुआ? क्या है ये चीज? कौन है तू? कौन है? कौन है भैया? तू कौन है? अरे दिवाली का दिन ये पैक हो गया है। अरे कौन है तू? अरे हमरे भैया है। अरे भैया भैया कहाँ थे आप, कहाँ थे? अरे खड़े हो जाइए भैया। भैया कौन किया किडनैप आपको? ये भौजी किया, 2000 के लिए किडनैप किया ये भौजी। तो भौजी आप इन तो हम क्या करते? तुम्हारे भैया हमको ब्यूटी पार्लर की 1 रुपया तक नहीं देते, हम किधर जाए? एक अबला जो बिना मेकअप के सुंदर लग ही नहीं सकती, बिना मेकअप के जी रही है, तो हम क्या करें? हमारी किस्मत, आपने हमारे साथ धोखा किया है। जा आप मर, अब हम आपके साथ लड़ाई करेंगे। अजय जी हमको थोड़ा सिखाइए ना, हमको इनको मारना है। उसका थोड़ा सा गिर जाए उसके ऊपर, ये भी हो सकता है। जफ्फी डाल दे कस के, वैसे ही हक कर ले खुशी से ही, वैसे ही मर जाएगी। क्या हुआ? ऐसा आइडिया क्यों दे रहा है उसको? वो सच में कर देगी मोटी। क्या है ये शस्त्र है? अब तू ज्यादा हमसे बहस नहीं कर। हम देखा आपके फिल्म में भी ऐसा कुछ इस्तेमाल किया है, इसको यूज कैसे करते हैं? अजय जी सिखाइए ना, अजय जी बताइए। इसको ऐसे पकड़ के, ऐसे पकड़ते हैं। ये एक्चुअली शस्त्र नहीं है, ये जब पहाड़ चढ़ते हैं तो इससे चढ़ते हैं। अच्छा, जब तेरे पे कोई मैं चढ़ाई करूंगी ऐसे कभी यूज हो। अच्छा ऐसे, ऐसे नहीं। अच्छा ऐसे ऐसे मारते मारते हैं, ऐसे बताए हैं। ऐसे ऐसे दर्द मिल गया, ऐसे ऐसे मार तो उसको काई मार रहे हैं। एक बार अजय देवगन, कैलाश खेर और मिथुन जी के लिए जोरदार तालियां। आइए सर। अजय भाजी बहुत मजा आया इस वीकेंड पे आपके साथ, पूरा वीकेंड इतना एंजॉय किया और समय कब निकला एक्चुअली पता नहीं चला। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू भाजी, एंड इट्स ऑलवेज ग्रेट सर, प्लेजर, ऑनर ऑनर। कैलाश जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। मिथुन जी बहुत बहुत शुक्रिया और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और शिवाय देखिए, आप अपने परिवार के साथ देखिए, बड़ी खूबसूरत फिल्म है। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए शिवाय की पूरी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।